So dear students, in today's class we are going to study about logic gates. This is lecture number 5 of unit 4, जो कि emerging domain in electronics engineering का part है. So इसके पहले वाले class में हम लोगों ने start किया था number systems के बारे में, फिर उसके conversion पढ़ा हम लोगों ने. इसके बाद next lecture में binary arithmetics देखा, basic binary arithmetics यानी कि addition and subtraction. Next class में हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शंस एडिशंस के अलावा कॉम्प्लीमेंट्स देखे, वंस टूज नाइन्स टेंस कॉम्प्लीमेंट एंड फिर वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया. अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स के बाद हम लोग जाएंगे बुलियन अलजेब्रा की तरफ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे जस्ट एक आध लाइन में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो लेट अस सी व्हाट आर लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं. तो बेसिकली अगर हम डिफिनेशंस के तौर पे बात करें तो लॉजिक गेट्स एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर्स के का यूज करके बनाए जाते हैं, और वो जो है वो एक लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि 0 और 1 के टर्म में लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि या तो आउटपुट हाई होता है या लो होता है. अब उसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिजिटल सर्किट दोनों एक ही चीज है. द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स विच हैव कैपेबिलिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल डिसीजंस या ऑपरेशन एक ही बात है, लॉजिकल डिसीजंस और यू कैन से लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस यूजिंग बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट, by producing output under certain condition, input condition, under certain input condition, clear है, input conditions, यानी कुछ input conditions के अंदर में हमें एक logical operations के तौर पे output मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, known as logic gates, okay. सो दिस इज द बेसिक आपके डेफिनेशन हो गए लॉजिक गेट्स के. एंड देन आफ्टर हम देखने जा रहे हैं कि लॉजिक गेट्स ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस लॉजिकल ऑपरेटर के, लॉजिक ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि लॉजिक ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर का मतलब कितने टाइप्स के होंगे लॉजिक ऑपरेटर, तो वो हम लोग वो देख लेंगे. तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज लॉजिक ऑपरेटर, यानी कि सिंपल सी बात समझ लो कि लॉजिक ऑपरेटर क्या काम है, लॉजिकल डिसीजन लेना है ना, यही लॉजिकल ऑपरेटर ही लॉजिकल डिसीजंस को परफॉर्म करता है, यानी कि ये क्या करता है, टू सॉल्व और सिंप्लीफाई, ये देखना, टू सॉल्व और सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन वी कैन से, लॉजिकल एक्सप्रेशन और बुलियन या बाइनरी ऑपरेशन वी कैन से, बाइनरी ऑपरेशन यूजिंग डिजिटल सर्किट्स, यूजिंग डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल सर्किट्स का मतलब ये लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, सर्किट्स इज कॉल्ड, called to solve or simplify the logical expression, यानी कि logical operations को solve या simplify करने के लिए जिस digital circuits का use करते हैं उसको हम लोग logical, is called logical operator. अब logical operator जो होता है वो basically तीन types के होते हैं, there are mainly
three types of logical operators. कौन कौन से? पहला not operator, दूसरा and operator, and तीसरा third one, यहां पे लिख रहा हूं मैं third one is or operator. अब ये तीनों के बारे में हम अलग से नहीं ये करेंगे, जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो इसी में हम इनको इंक्लूड कर लेंगे. सिंपल से मैं बता दूं, नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है? नॉट ऑपरेशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करता है. एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? डिजिटल यानी कि लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. और ऑपरेटर का मतलब क्या है? एक तरीके से लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. तो यही तीनों ऑपरेशन जो है, यही बार बार सारे जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनमें यूज होते जाएंगे. तो अब यहाँ पे पहले हम लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं उसको हम देख लें. तो यहाँ पे डालते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स. टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं. ओके, सो यहाँ पे हो गया टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स. अब यहाँ पे हमने डाल दिया लॉजिक गेट्स. अब लॉजिक गेट्स को अगर हम बात करें तो मेनली तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. पहला, फर्स्ट वन इज बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स बोलते हैं इसको. सेकेंड, यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट्स. एंड थर्ड जो टाइप्स होता है वो होता है स्पेशल पर्पस गेट्स, स्पेशल पर्पस गेट्स. तो ये तीन, मतलब जितने टाइप्स के गेट होंगे इन्हीं तीन कैटेगरीज में हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. पहले कैटेगरीज में तीन आते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, जो कि नॉट गेट. नॉट गेट सबसे बेसिक गेट होता है. दूसरा एंड गेट, और तीसरा और गेट. ये तीन बेसिक गेट्स होते हैं. अभी यूनिवर्सल गेट जो होते हैं इन्हीं तीन बेसिक गेट्स का यूज करके बनते हैं, और ये होते हैं दो टाइप के. ये नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट. ओके, अब स्पेशल पर्पस गेट क्या होता है? ये अलग एक्सक्लूसिव गेट कहलाते हैं, और इसलिए इसका नाम होता है XOR, या इसको सिंपल में XOR भी बोलते हैं, या XNOR, दो ही होता है इसमें. XOR, एक्सक्लूसिव OR या एक्सक्लूसिव NOR. तो ये टोटल कितने हो गए? 3 to 5 or 2 to 7, टोटल 7 टाइप्स के भी हो गए गेट्स. अब इन सारे गेट्स के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि ये सारे गेट्स क्या होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं गेट नंबर 1, फर्स्ट गेट, फर्स्ट बेसिक लॉजिक गेट्स. बेसिक लॉजिक गेट्स, और बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर में जो पहला गेट आ गया वो हो गया नॉट गेट. नॉट गेट, ओके. सो अंडर नॉट गेट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉट गेट के बारे में हम बात करेंगे. फिर इसका देखो, चार इसके मेन पॉइंट होंगे. नॉट गेट क्या होता है, क्या करता है? दूसरा, इसका सिंबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल क्या होता है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? लेट अस सी हियर. सो द नॉट गेट, यहां पे स्टार्ट करें. The logical circuit which perform NOT operation. The logical circuit, logical circuits which performs NOT operation is called not gate. अब not operation क्या है? यानी कि the not operator is represented by logical inversion. यानी कि not operation is nothing but logical inversion.
इन्वर्जन मतलब उल्टा कर दीजिए आप, कंप्लीमेंट कर दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी को कॉम्प्लीमेंट के क्या हो जाएगा, नॉट ऑपरेशन या नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यानी कि ये इन्वर्जन को प्रोवोक करता है, यानी कि और नॉट ऑपरेटर को हम डिनोट कैसे करते हैं, नॉट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई बार, बार से या ऊपर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट से हम डिनोट करते हैं, बिटवीन या ओवर, बिटवीन नहीं एक ही डिजिट होता है, ओवर द इनपुट, इनपुट के ऊपर हम बार या इससे कम हम डिनोट करते हैं। सो ये तो पहला हो गया इसके बारे में कि नॉट गेट क्या होता है। अब इसके बाद इसका सिंबल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सिंबल के तौर पर हम देखें तो सिंबल जो है नॉट गेट को कुछ इस तरीके से हम लोग देते हैं। लेट अस सी हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट, यानी कि एक ये लगाने के बाद यहाँ पे नॉट ऑपरेशन यानी कि बबल या सर्कल कर सकते हो। तो ये अगर ए आपका इनपुट है तो वाई इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या करना है मुझे, ये बार या कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करना है। नाउ सिंबल हो गया हम लोगों का, सिंबल के बाद हमें इसका ट्रुथ टेबल के बारे में पता करना, व्हाट इज ट्रुथ टेबल। यही हम सारे गेट्स के तौर पे फॉलो करेंगे, जिससे कि हम थ्योरेटिकल टर्म में अगर आता है तब भी लिख सकते हैं, या अगर सिंपल समझना है तब भी हम लिख सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल पहले जानते हैं कि होता क्या, व्हाट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल जो है वो एक टेबल है जो लिस्ट करता है जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि कह सकते हो ए टेबल, ए टेबल दैट लिस्ट्स ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन लेट मी राइट इट अगेन क्लियरली, इनपुट कॉम्बिनेशन जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। यानी कि जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को ट्रूथ टेबल बोला जाता है। तो हमें एक ही इनपुट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। मान लेते हैं कि इनपुट हमारा ए है और कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई है। अब एक इनपुट है तो एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशन क्या हो सकता है, या तो एक इनपुट जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। और अगर मैं इसका इन्वर्जन करूं यानी कि वाई की बात करूं तो क्या होगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए बार जो होगा वो जीरो की जगह पे वन एंड वन की जगह पे जीरो। ये बस दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस ट्रुथ टेबल में इतना ही आएगा। एंड द लास्ट वन यानी कि ट्रुथ टेबल के बाद बुलियन एक्सप्रेशन, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ, तो द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ऑलरेडी हम यहां पे देख चुके हैं y इज इक्वल टू a बार, जहां पे कि y इज आउटपुट एंड a इज इनपुट, है ना। तो इस तरीके से हमने नॉट गेट, अब यही जो है ये सारे गेट्स के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स क्या है, वो क्या काम करता है, उसका सिंबल कैसा दिखता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। सो दिस इज द मेन स्टेप्स टू बी अंडरस्टैंड फॉर द ऑल टाइप ऑफ गेट। तो लॉजिक बेसिक गेट्स के अंदर में पहला गेट हमने देखा, अब दूसरा गेट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एंड गेट के बारे में। एंड गेट, सो एंड गेट क्या करता है, ये इट परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन
of the given inputs. Given inputs. किसी भी गिन उसने तो एंड ऑपरेशन. अभी एंड ऑपरेशन क्या है? सो एंड ऑपरेशन इज नथिंग बट द लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन इज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है. और ये डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय डॉट. डॉट मतलब ये डॉट बिटवीन बिटवीन द इनपुट वेरिएबल्स. इनपुट वेरिएबल्स, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके. तो ये तो इसके बारे में हो गया एंड गेट के बारे में कि एंड गेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना. अब इसका हम देखते हैं यहाँ पे सिंबल, ये इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है. तो एंड गेट डी लेटर जैसा होता है, डी लेटर जैसा यहाँ पे स्मूथ होते हैं कर्व. और इस तरीके से यानी कि हाफ सर्कल, एक तरीके से देखा जाए तो आप हाफ सर्कल बना दीजिए और यहाँ पे ए बी ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई. तो हमें क्या करना है, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है, यानी कि ए डॉट बी कर देता है. ये ए डॉट बी यानी कि इनपुट के बीच में इस वेरिएबल्स को लेके आ जाता है. अब आते हैं हम लोग इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल. सो ट्रुथ टेबल में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि दो इनपुट है तो दो इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार हो सकते हैं, है ना. तो लेट अस ड्रॉ द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में इनपुट, दो इनपुट आएगा और एक कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा. तो ट्रुथ टेबल में हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से इनपुट और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. अब इनपुट कितना है, इनपुट ए एंड बी है, ए एंड बी, और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ये ए डॉट बी, है ना. अब इसमें अगर आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिए, है ना, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो ये ए जीरो और बी भी जीरो हो सकता है, या ए जीरो एंड बी वन हो सकता है, या ए वन एंड बी जीरो हो सकता है, या दोनों वन हो सकता है. और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, जीरो जीरो डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन. ओके, सो दिस इज एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वन इज कॉल्ड बोलियन एक्सप्रेशन. बोलियन, जस्ट अ मिनट, बोलियन एक्सप्रेशन. आई विल राइट द हियर बोलियन एक्सप्रेशन. तो बोलियन एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन. सो बोलियन एक्सप्रेशन इज गिवन बाय यहां पे द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट इज गिवन बाय सिंपल वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, जहां पे कि डॉट जो है ये है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जहां y जो है वो आउटपुट है एंड a एंड b आर इनपुट्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंड. एंड ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई मतलब लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन करता है. और इसका सिंबल इस तरीके से दिखता है, इसका ट्रुथ टेबल एंड ये. एंड द थर्ड बेसिक गेट्स जो बचा, वो थर्ड बेसिक जो गेट है वो है और गेट. थर्ड बेसिक गेट इज और गेट. तो इसके बारे में भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर लें, और गेट के बारे में भी. सो लेट अस स्टार्ट. सो और गेट क्या करता है, इट परफॉर्म्स और ऑपरेशन ऑफ द गिवन इनपुट्स. व्हाट इज और ऑपरेशन, और ऑपरेशन
represents the logical addition. Logical addition. Now it is a logical addition ko represent kaise karte hain? It is denoted by, kaise denote karte hain isko? Denoted by plus sign. Ye plus sign ke saath, by plus, between input variables jaise a plus b, aise represent karte hain. Now ab iske baad kya karte hain, iska symbol kya hota hai ye, aise to iska symbol yani ki isko hum represent karte hain kuch is tarike se. आप चाहे तो पहले ये कर्व बना लीजिए और फिर इस कर्व को कुछ इस तरीके से, ठीक है. इट इज लिटिल डिफरेंट देन एंड गेट, ठीक है. यहाँ पे ये कर्व होता है, वहां पे फ्लैट होता है. डी में यहाँ भी ये बिल्कुल स्मूथ ना होके यहाँ पे एक यू कैन से पीक होता है. ओके, तो अब ये हो गया, यहाँ से आउटपुट मिलता है और दो इनपुट यहाँ देते हैं इस तरीके से, ये ए एंड बी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. अब ये जो है ए प्लस बी के तौर पे, यानी कि ए और बी, ऑरिंग ऑपरेशन बोलते हैं. अब इसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल करते हैं. ट्रुथ टेबल, तो इसका ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, फिर इसी तरीके से ट्रुथ टेबल में हम लोग इनपुट डालेंगे इधर, इनपुट्स कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. इसके भी क्योंकि दो इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, चार. यानी कि ये होगा ए बी, दो इनपुट है, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इसका आउटपुट होगा. ओके, सो लेट अस सी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर, ये जीरो और ये भी जीरो हो सकता है, ये जीरो, ये वन हो सकता है, ये वन एंड ये जीरो हो सकता है, और ये वन एंड वन हो सकता है. दिस इज द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन. और अगर मैं जीरो जीरो का मतलब ये लो और लो को मैं ऐड करूंगा तो मुझे लो मिलेगा. लो एंड हाई को मैं ऐड करूंगा, लॉजिकल एडिशन कर रहा हूँ, जीरो लो और हाई को ऐड करूंगा तो हाई मिलेगा. हाई और लो को ऐड करेंगे तो भी हाई मिलेगा, एंड हाई को ऐड करेंगे तो हाई मिलेगा. अब यहाँ पे बाइनरी एडिशन नहीं है क्योंकि बाइनरी एडिशन में वन एंड वन टू हो जाता है, वन जीरो मिलता है ना. तो दिस इज ऑल ये ट्रुथ टेबल. नाउ द लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन या बोलियन एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको. जैसे हम लोग पहले लिखते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ भी. यहाँ भी लिखेंगे बोलियन एक्सप्रेशन, बोलियन एक्सप्रेशन. तो इसका बोलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, अगेन ऑलरेडी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. द बोलियन एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, the boolean expression is given by y is equal to a or b. तो यहाँ पे ये प्लस जो है वो और ऑपरेटर है. ओके, ये और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये और ऑपरेटर है. अगेन y is denoted as output and a कॉमा बी आर इनपुट्स. सो बेसिक गेट्स तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सल गेट्स, ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन गेट्स का, यूनिवर्सल गेट्स में जितने भी गेट्स आते हैं सिर्फ उन्हीं का यूज करके हम बाकी कोई भी गेट्स बना सकते हैं. हम आगे वाले टॉपिक एंड लेक्चर में देखेंगे भी हम लोग. चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं. यूनिवर्सल गेट के अंदर में दो गेट आते हैं. पहला होता है नैंड गेट एंड नॉर गेट. तो इसका मैं पहले नैंड गेट पढ़ेंगे हम लोग, नैंड गेट. ओके, सो लेट अस सी नैंड गेट फर्स्ट. सो हियर वी स्टार्ट हियर. अब यहाँ पे नैंड देखना, नैंड जो है वो दो टर्म्स के मिलके बना है, यानी कि नॉट एंड एंड, यानी कि नॉट एंड 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 ऑपरेशंस को मिला के नैंड ऑपरेशंस बनाते हैं. इसको लिखेंगे द टर्म, इस टर्म को द टर्म नैंड कैन बी स्प्लिटेड एज, या कैन बी डिवाइडेड एज, स्प्लिटेड एज नॉट एंड एंड, नॉट और एंड, ठीक है. Which means that, इसका मतलब ये हुआ
which means that the NAND operator can be implemented with the NAND operation can be implemented using with the combination of two gates. Kaun kaun se? Of and not, and gate and not gate. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि NAND gate is equivalent to, ध्यान देना यहाँ पे, NAND gate जो है, जैसे मैंने बताया था, NAND gate is equivalent to an AND gate followed by NOT gate. यानी कि अगर हम AND gate के आगे NOT gate लगा दें तो वो इसके equivalent काम करने लगता है. अब इसके बाद तीसरा, ये universal gate क्यों कहलाता है? So a NAND gate is also known as universal gate. क्यों? Because all the gates, ध्यान देना यहाँ पे, all the gates can be implemented, चाहे कोई भी gate क्यों ना हो, all the gates can be implemented using NAND gate only. यानी कि universal gate का ही use करके हम सिर्फ कोई भी gate implement कर सकते हैं, इसलिए इसको universal gate कहा जाता है. क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके सिंबल के, इसको दिखाते कैसे हैं. इसका जो सिंबल होता है वो, क्योंकि देखो NAND से बना हुआ है, AND से, तो इसको AND gate जैसे हम लोग बनाते थे, AND gate के आगे आप लगा दीजिए एक, तो ये हो गया आपका, यानी कि A AND B, और इसका आउटपुट जो है वो A डॉट B बार. हाँ, और इस सिंबल के बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं? अभी इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बात किया था ना, इक्विवेलेंट के मतलब अगर मेरे पास NAND गेट नहीं है तो भी हम दो गेट का यूज करके इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? सो इक्विवेलेंट जो इसका सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट, वो बनेगा कुछ इस तरीके से. यानी कि एक एंड गेट लीजिए, ये एक एंड गेट, इस तरीके से ए एंड बी, तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? सो यू विल बी गेटिंग हियर ए डॉट बी, और इसके आगे आप नॉट गेट लगा, फॉलोड बाई नॉट गेट, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी का बार. दोनों बराबर है. और ये जो पहला वाला फर्स्ट हो गया, ये है एंड गेट फॉलो बाई नॉट गेट. क्लियर है? और अभी ट्रूथ टेबल हम अगले इसमें लिखेंगे, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ. सो द बुलियन एक्सप्रेशन So, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन? सो द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a डॉट b के ऊपर पार, जहां पे कि y इज नथिंग बट आउटपुट एंड ए कॉमा बी आर इनपुट्स. बीच में डॉट है, यानी कि जो है एंड ऑपरेटर है, ऊपर की तरफ बार है, यानी कि नॉट ऑपरेटर है. ठीक है, यहां पे कि डॉट इज एंड ऑपरेटर और ऊपर बार आपको पता ही है कि वो नॉट ऑपरेटर है. अब हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ट्रूथ टेबल.
truth table. So truth table of universal gates, इसमें भी possible दो combination हम रखेंगे, input and corresponding output. So input क्या है, input A and B दो possible combination है and output is equal to A dot B के ऊपर bar. ये possible हमारा combination है. So possible combination में हम देखें कि या तो दोनों इनपुट जीरो हो सकते हैं, या एक जीरो दूसरा वन हो सकता है, या वन एंड जीरो हो सकता है, या जीरो एंड वन हो सकता है. अब इसमें आपको ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एंड का कॉम्प्लीमेंट है. तो हम एंड का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, जीरो डॉट जीरो यानी कि जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, जीरो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, जीरो एंड वन का मल्टीप्लीकेशन जीरो और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वन, one and zero का multiplication zero उसका complement one, and one and one का multiplication one उसका complement zero. So this is your truth table of NAND gate. अब इसके बाद हम लोग ये करने जा रहे हैं, जो दूसरा जो universal gate है वो है second number NOR gate. तो इसका भी नाम जो है NOR, आप देख सकते हो Not and or से मिलके बना हुआ है, यानी कि this also can be splitted as the NOR term जो है हम split कर सकते हैं the term NOR can be splitted as not and or, which means that, इसका मतलब ये हुआ, which means that the NOR gate can be implemented, NOR gate can be implemented using या with the combination of two gates, यानी कि पहला OR gate followed by NOT gate. और इसका equivalent circuit में क्या होगा, यानी कि the equivalent circuit of NOR gate is presented by OR gate followed by NOT gate. Or this is also an universal gate. This is also an universal gate. मतलब इसका भी यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं. This is also an universal gate. ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके थोड़ा सा हम सिंबल देख लें, equivalent circuit and truth table. Let us begin here. So इसका सिंबल हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो जस्ट लुक इट आउट हियर, द सिंबल इज लाइक दिस. और गेट, पहले और गेट बनाएंगे और गेट के आगे ऐसे तरीके से कुछ नॉट से रिप्रेजेंट करें, यानी कि ए बी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो होगा वो ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा. नाउ इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका, सो लेट अस सी इट्स इक्विवेलेंट सर्किट. सो इट्स इक्विवेलेंट सर्किट विल बी इक्विवेलेंट सर्किट. तो अब हमें पता है क्या करना है मुझे, इक्विवेलेंट सर्किट में हमें पहले बनाना है एंड गेट, सॉरी और गेट, और गेट हमने बना दिया और इसके आगे हमने लगा दिया एक नॉट गेट. सो यानी कि ये आप ए एंड बी इनपुट दे रहे हैं, ये क्या होगा ए प्लस बी आ जाएगा और गेट का,
और फिर नॉट लगा देंगे तो ए प्लस बी का बार आ जाएगा। और ये क्या है? और गेट है, और ये क्या है? नॉट गेट। ओके, सो देन आफ्टर क्या है? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल देख ले हम लोग इसका। तो ट्रूथ टेबल जो होगा, ट्रूथ टेबल ये क्या करेगा? ट्रूथ टेबल दो इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर, कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि अगेन यहां भी इनपुट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट के कॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, ये ए और बी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। ओके, सो लेट अस सी इसके भी चार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहां पे देखना है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है? और करके उसको कंप्लीमेंट कर देना है। तो 0 और 0 का और क्या होगा? 0 और उसका कंप्लीमेंट 1, 0 एंड 1 का 1, उसका कंप्लीमेंट 0, 1 एंड 0 का 1, उसका कंप्लीमेंट 0, एंड 1 एंड 1 हाई एंड हाई हाई, उसका कंप्लीमेंट 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। नाउ द लास्ट वन इज बोलियन एक्सप्रेशन। बोलियन एक्सप्रेशन इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑलरेडी यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, बट फिर भी द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज गिवन बाय क्या होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार, जहां पे कि प्लस जो है वो किसको ऑपरेट करता है? और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। बार जो है ये क्या है? नॉट ऑपरेटर। ओके, और y क्या है? आउटपुट। एंड जो ए एंड बी है वो क्या है? इनपुट्स। ठीक है, सो दिस इज यानी कि ए प्लस बी के ऊपर बार, ए मतलब ये करके उसको कंप्लीमेंट कर देना है। तो दिस इज ऑल हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट पढ़ लिया, बेसिक गेट्स पढ़ लिए, और लास्ट में दो बचे हुए हैं स्पेशल पर्पस गेट्स, दैट आर ना स्पेशल पर्पस गेट्स। ओके, स्पेशल पर्पस गेट्स। अब स्पेशल पर्पस गेट्स क्या है? ये अलग एंड एक्सक्लूसिव गेट्स हैं जो कि अलग ऑपरेशन से मिलके, ऑपरेशन तो मेन बेसिकली ऑपरेटर दो ही तीन हैं, उन्हीं ऑपरेटर का यूज होगा, लेकिन ये दो टाइप के हैं जो कि हम लोग बोलते हैं XOR, या इसको हम सिर्फ XOR भी बोलते हैं, सिंपल XOR गेट। दो होता है, XOR एंड XNOR। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये XOR का मतलब एक्सक्लूसिव, इसका मतलब हो गया, इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव OR गेट इज एब्रीविएटेड एज कैसे होगा? XOR, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो गया EXOR, और सिंपल वर्ड में XOR गेट, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। सेकेंड, व्हाट इज XOR ऑपरेशन? सो द इट परफॉर्म्स XOR ऑपरेशन which is denoted by कैसे डिनोट करते हैं XOR ऑपरेशन को? प्लस के ऊपर सर्कल। ओके, बिटवीन इनपुट वेरिएबल्स। ओके, ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन। अब एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन होता क्या है ये? तो XOR ऑपरेशन provides, पहले स्टार्ट करते हैं, provides low output तो हम देते हैं, so low output कब?
flow output when both inputs are same, यानी कि A is equal to B. Otherwise high. लड़ा है, यानी कि लो, जब दोनों बराबर होंगे तो लो यानी कि जीरो, और इसके अलावा ये क्या करेगा, आउटपुट आपको हाई देगा. तो इट मींस दैट इसका हम लोग सिंबल देख लें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबल एक्सक्लूसिव ओआर को. तो इसका जो सिंबल होता है एक्सक्लूसिव ओआर ऑपरेशन का, कुछ इस तरीके से. लेट अस सी, आप पहले ओआर ड्रॉ करेंगे. ओआर ड्रॉ करने के बाद इसके पैरेलल में एक और कर्व ड्रॉ करेंगे ये, और फिर ये इनपुट दे देंगे ए बी, जो परफॉर्म करेगा ए एक्सक्लूसिव ओ आर बी. इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ नहीं होता, इसलिए हम इक्विवेलेंट सर्किट नहीं ड्रॉ करेंगे. दैट टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ट्रुथ टेबल की तरह, ट्रुथ टेबल. अब इसका जो ट्रुथ टेबल है, इसके भी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. नाउ सो इनपुट ए एंड बी, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज इक्वल टू ए ओ एक्सओआर ऑपरेटर बी. अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें कि जब दोनों बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि कॉम्बिनेशन पहले करें 0 0 0 1 1 0 1 1, सिर्फ ये दो कंडीशन में, फर्स्ट एंड लास्ट में ये बराबर है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जीरो और लो इनपुट दे दिया, और जो रिमेनिंग इसके अपोजिट है वहां पे, यानी कि इसके अलावा हाई इनपुट. बिल्कुल सिंपल है. तो ये हो गया एक्सक्लूसिव ओ आर ऑपरेशन. अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सो बुलियन एक्सप्रेशन, सी द बुलियन एक्सप्रेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो द बुलियन expression of exclusive OR gate is given by y is equal to a exclusive OR b, जो कि बराबर होता है a bar b plus a b bar. ठीक है, this one जहां पे कि ये लिए है वो है ई एक्स ओ आर ऑपरेटर, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू आउटपुट, एंड ए कॉमा बी जो है वो इनपुट है. तो ये पूरे आपका हो गया स्पेशल पर्पस का एक्सओआर ऑपरेटर. अब इसी तरीके से हमारा लास्ट जो बच रहा है वो है एक्सनोर ऑपरेशन. तो एक्सनोर गेट के अंदर में, एक्सनोर जो गेट है वो एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट है एक्सओआर गेट का. तो लेट अस सी हियर. सो ये जो द एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट is abbreviated as kya XNOR or sirf X. Now what is ye kya karta hai, it performs XNOR operation which is denoted by, ऐसे नोट करते हैं इसको, डॉट के ऊपर सर्कल, ये डॉट के ऊपर सर्कल, डिनोटेड बाय दिस बिटवीन द इनपुट वेरिएबल्स. नाउ लेकिन ये इक्विवेलेंट हम इसे क्या कर सकते हैं, द इक्विवेलेंट
circuit of XNOR gate is implemented using क्या XOR gate followed by NOT gate, यानी कि अगर XOR gate के आगे NOT gate लगा दें तो क्या हो जाएगा. अच्छा अब ये XNOR operation क्या होता है. In XNOR operation the output is high when both input are same, when A is equal to B. Otherwise low. यानी कि जस्ट उसका उल्टा, यानी कि जब दोनों बराबर होंगे तो हाई, बराबर नहीं होंगे तो लो. लेट अस सी द सिंबल हियर. सिंबल इसको, इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां भी इसका सिंबल जो हम ड्रॉ करेंगे एक्सक्लूसिव ओ आर, एक्सक्लूसिव नॉर हमें करना है. तो एक्सक्लूसिव ओ आर के आगे हमें नॉट लगा देना है, यानी कि ये आपका एक्सक्लूसिव ओ आर है, ये इसके पैरेलल में आपने दे दिया, ये एक्सक्लूसिव ओ आर, इसके आगे नॉट लगा दीजिए. तो ये बन गया ए बी और ए एक्सक्लूसिव एन ओ आर बी, जो कि ए एक्सक्लूसिव ओ आर बी का बार के बराबर होता है, दोनों एक ही बात है. ओके और इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सो इक्विवेलेंट सर्किट इज इक्वल टू कुछ ये हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. यहाँ पे पहले हम क्या किया, हमने एक एक्सओआर गेट ले लिया, एक्सओआर गेट के अंदर में हमने इनपुट दे दिया ए बी और इसके आगे हमने लगा दिया नॉट गेट. सो ये है एक्सओआर और ये है नॉट, जो कि आउटपुट देगा आपका ए प्लस बी के ऊपर बार. ये क्या देगा, ए एक्सक्लूसिव ओ आर बी के बराबर. ठीक है अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, लास्ट इसका, वो है ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन. तो ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में हम लोग चेक कर लेते हैं इनपुट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. ऑलरेडी हम XNOR ऑपरेशन को डिफाइन कर चुके हैं, यहां फिर से हम उसको देखेंगे वापस. सो ए बी एंड वाई इज इक्वल टू ई ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, कॉम्बिनेशन 100 01 101. सो 00 कॉम्बिनेशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सी हियर. दोनों जहां पे बराबर होंगे आउटपुट इज हाई, और जहां पे दोनों अलग होंगे वहां पे स्लो. दैट्स इट. एंड द लास्ट वन इज बुलियन एक्सप्रेशन. सो बुलियन एक्सप्रेशन, सो इन अंडर बुलियन एक्सप्रेशन हम ये एक्सप्रेशन को लिखेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी करेंगे. सो द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ XNOR गेट इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए XNOR बी, जो कि बराबर है ए बार, या ऐसे कर सकते हो ए बी प्लस ए बार बी बार. ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका. अब जहां पे कि ये रिप्रेजेंट करता है XNOR ऑपरेटर को, ये XNOR ऑपरेटर है और Y इसका आउटपुट एंड A कॉमा बी आर इनपुट्स. तो ये हो गए हम लोगों के सारे टाइप्स के गेट, जितने भी गेट्स हो सकते थे सब गेट्स को हमने पूरा थ्योरेटिकल टर्म्स में
ट्रुथ टेबल के टर्म में, बूलियन एक्सप्रेशन, सब कुछ हमने इसको यहाँ पे देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनका ऑपरेशंस होता है, कैसे काम करता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और या फिर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वट एवर यू हैव नॉट अंडरस्टैंड। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे।